14 साल की इस बेटी को देखिए, इसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बहुत अच्छा डांस करती हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के साथ इनका उठना बैठना है। कई शॉर्ट फिल्में भी कर चुकी हैं और कई नए प्रोजेक्ट्स में भी आप फ्यूचर में इन्हें देखेंगे। पर ये लड़की है कौन, इसके पापा का नाम क्या है, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, हर किसी के सपने की कीमत होती है। मेक्सिको में जन्मी केनियाई एक्ट्रेस लुपिता नियोंग ने ऑस्कर पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में बात कही, और होना भी यही चाहिए, किसी धर्म जाति अमीरी गरीबी खान पान की वजह से किसी भी बच्चे के सपने टूटने नहीं चाहिए। पर इस लड़की के माता पिता तो बहुत अमीर हैं, इसके तो सारे सपने पूरे हो ही जाएंगे। पर मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, अभी इस बात से पर्दा उठाता हूँ। हमारे समाज में एक बीमारी है, वो है हर किसी को जज करने की, उसके पैसे के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से, और वो कहाँ से है उसके हिसाब से। अगर मैं आपको ये बताता कि ये बेटी मुंबई के स्लम में रहती है तो आप इस पर तरस खाते, ये अच्छी एक्टर हो सकती है इस बात पर यकीन ना करते, आप इसके सपनों को शायद इसके बैंक बैलेंस से नापते। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता था। तो रियलिटी क्या है, चलिए जानते हैं। तो इस बेटी का नाम है मलीशा, जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ फैशन मैगजीन के कवर पेज पर नजर आ चुकी हैं। कहानी शुरू होती है 2020 से, जब हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट हॉफमैन मुंबई आए, उन्हें एक वीडियो शूट करना था। मलीशा उन्हें रोड पर मिली, रॉबर्ट ने उनकी तकलीफ सुनी। मलीशा ने बताया कि उनके पास कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते, उनके घर पर छत भी नहीं है, और ऐसे में अगर कभी बारिश आ जाए तो रात में सोना भी मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान मलीशा ने उन्हें अपने मॉडलिंग के सपने के बारे में बताया। रॉबर्ट ने उसे सीरियसली सुना और फिर आने वाले म्यूजिक वीडियो में उन्हें कास्ट कर लिया। साथ ही रॉबर्ट ने मलीशा के लिए क्राउड फंडिंग अकाउंट भी बनाया। इस क्राउड फंडिंग के जरिए रॉबर्ट ने मलीशा के सपने पूरे करने के लिए करीब 16 लाख रुपए इकट्ठे किए। यहां से मलीशा चर्चा में आई और इसके बाद कई बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स और एक शॉर्ट फिल्म भी इन्हें ऑफर हुई। बाद में रॉबर्ट ने ही मलीशा का इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट भी बनाया, जिस पर अब मलीशा अपने फोटोशूट की वीडियोज और फोटो शेयर करती है। रॉबर्ट ही मलीशा के मैनेजर भी हैं। हाल ही में मलीशा को फेमस मैगजीन कॉस्मोपॉलिटन ने अपने कवर पेज पर दिखाया है। इस फोटोशूट में वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी समीरा रेड्डी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला के साथ नजर आ रही हैं। आज मलीशा के नाम से हैशटैग प्रिंसेस फ्रॉम द स्लम चर्चा में है, जिसका मतलब है झुग्गी से निकली राजकुमारी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जरूरी नहीं कि आप अपने खुद के पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं, तो जब आप अमीर होंगे तभी किसी की मदद करोगे। मदद करने के लिए पैसे नहीं, भावना से भरा एक दिल ही काफी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते इसे लाइक भी कर दीजिए, हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते रहिए।